हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग के डिफरेंसेस देखेंगे। सबसे पहले मेल फ्रॉग, नैरो बॉडी। मेल फ्रॉग की बॉडी नैरो होती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक मेल फ्रॉग है। और ब्रॉड बॉडी मिलेगी आपको फीमेल फ्रॉग में, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट, ज़्यादातर एम्फीबियन स्पीसीज में मेल्स स्मॉलर साइज के होते हैं, जबकि फीमेल लार्जर साइज में होती हैं। नेक्स्ट, नो स्वेलिंग इन एब्डोमन ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, जबकि फीमेल की बॉडी में अनफर्टिलाइज एग्स स्टोर करने की वजह से एब्डोमन स्वेल हो जाता है ब्रीडिंग सीजन में। तो एब्डोमन स्वेल्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन to store unfertilized eggs. तो numerous unfertilized eggs को store करने की वजह से female frog का जो abdomen है वो especially breeding season में swell हो जाता है। nuptial pads develop ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ये निप्चल पैड्स हैं जो एम्प्लेक्सरी पैड्स भी कहलाते हैं, और ये मेल फ्रॉग को एम्प्लेक्सस या सीडो कॉपुलेशन के टाइम पर फीमेल फ्रॉग की बॉडी को ग्रिप करने में मदद करते हैं, जबकि फीमेल में निप्चल पैड्स नहीं होते। वोकल सैक्स आर प्रेजेंट इन मेल वाइल एब्सेंट इन फीमेल। ये क्या होते हैं? तो वोकल सैक्स आर लूज स्किन फोल्ड्स इन थ्रोट ऑफ फ्रॉग, जिसकी हेल्प से फ्रॉग ज़्यादा तेज क्रॉक कर सकता है। सो मेल फ्रॉग कैन क्रॉक लाउडर देन फीमेल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वोकल सैक इन दैम। क्रॉकिंग एक मेटिंग कॉल होता है जो ब्रीडिंग सीजन में मेल प्रोड्यूस करता है। मेल बिकम्स मोर कॉन्स्पिशियस ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। कॉन्स्पिशियस मतलब अट्रैक्टिव या ब्राइटली कलर्ड हो जाना, जबकि फीमेल में लिटिल चेंज। तो ब्रीडिंग सीजन में फीमेल में बहुत कम चेंज आता है, बट मेल बिकम्स ब्राइटली कलर्ड एंड मोर कॉन्स्पिशियस। तो ये थे डिफरेंसेस मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।